तो भाई आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि आप अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। मैं यहाँ पर सिंपली क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको बार बार बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आई है या नहीं आई है। आपको सिंपली यहाँ पर लिखना होगा PFMS, इसका मतलब होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपली आपको पहली वाली लिंक पर ही क्लिक करना होगा। ये PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको नीचे आना होगा और आपको यहाँ पर नो योर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी बैंक को सिलेक्ट करना होगा कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करना होगा। अब आपको अकाउंट नंबर को कंफर्म करना होगा। अब आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल करना होगा। अब आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना होगा और आपके सामने ये खुलकर आ गया कि आपके अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप आया है या नहीं। देखिए आप यहाँ नीचे आपके बैंक का नाम आ रहा है, यहाँ आपका अकाउंट नंबर आ रहा है, यहाँ बेनिफिशियरी का नाम आ रहा है। देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम मनीष कुमार और इनका जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और इनकी जो स्कॉलरशिप आई है वो आपको यहाँ पर अमाउंट के नीचे शुरू होगा 2325 रुपये और स्टेटस सक्सेस हुआ है और 22 तारीख को इनका स्कॉलरशिप आया है। 22 अप्रैल 2020 को इनका स्कॉलरशिप आया है।